हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टाइप के फंक्शन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्पेशल टाइप का फंक्शन है कि दो तीन फंक्शन हम जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, उनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो उन्हीं में से एक थोड़ा सा हमें लगता है कि कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है फंक्शन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसी के आज हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। कन्फ्यूजन इसके नाम से ही क्रिएट हो जाता है, तो वही सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन क्या होता है और इसके थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि इसकी लिमिट क्या होती है या इसका ये किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है और किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी कर लेंगे। वैसे हालांकि इतना कोई जरूरी नहीं है, तो जितनी बातें करनी है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेसिकली ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब इसमें हम लोग रियल वैल्यू इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं और ये रियल वैल्यूज पे वर्क करके हमें देता है। मतलब सिंपल चीज है, इट इज अ फंक्शन हुज नोटेशन इज, देखिए ये फंक्शन किस किस तरीके से लिखा जाता है। फर्स्टली आपको बुक में ऐसे लिखा मिल सकता है, मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन एक्स, एक्स समथिंग इन रियल नंबर, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। क्वेश्चंस में ऐसे लिख के देते हैं कि फंक्शन या फिर फाइंड द समथिंग फॉर दिस फंक्शन सच एज दिस डिफाइन एज, दिस डिफाइन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, greatest integer, it is stand for greatest integer, less than or equal to, less than or equal to x, है ना। तो ये सबके सब notations हमारे greatest integer function के लिए ही है, ठीक है। इसका नाम है greatest integer function, मतलब GFI, है ना। अच्छा, जैसे इसकी ये जो लिखा हुआ है, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसकी डेफिनेशन होती है और ये कैसे वर्क करता है फिर इसके डेफिनेशन पे आते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हो, क्योंकि इसकी इसकी डेफिनेशन और इसका नाम थोड़ा दोनों चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, इसलिए दोनों की एक साथ बात नहीं करते। सबसे पहले इसकी वर्किंग पे बात करते हैं, हाउ टू इट वर्क। देखिए बेसिकली ये रियल वैल्यूज पे वर्क करता है, मतलब आप इसमें एक्स की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसे लिखा होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें आप x की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो और वो उस रियल वैल्यू पे वर्क करके आपको रिजल्ट देगा। इस फंक्शन के थ्रू हमारा जो रियल सेट होता है, जैसे इट इज़ योर रियल लाइन, ये आपकी क्या है, रियल लाइन, हेयर इज अ माइनस प्लस इनफाइनाइट एंड हेयर इज अ माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। सो ये रियल लाइन, या फिर हम अपना कह सकते हैं कि जो अपना x की रियल वैल्यूज हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक इंटीग्रल पार्ट्स, मतलब जैसे मान लेते हैं इस रियल लाइन में आप जीरो इस फंक्शन की वैल्यू रख सकते हो, वन टू थ्री फोर, या इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। तो एक ये वैल्यूज और दूसरी जो इनके बीच में है, मतलब जो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है। मतलब इस फंक्शन का जब भी हम यूज करते हैं तो हमको सबसे पहले जो अपना रियल डोमेन है, अपना जो रियल लाइन है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहला है कि जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, मतलब इंटीग्रल पॉइंट, और दूसरे नॉन इंटीग्रल पॉइंट, मतलब जो इनके बीच में होंगे, जैसे 1.5 1.2 या 2.5 माइनस का 1.5 माइनस का 0.25। तो ये कैसे वर्क करता है, ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे दूसरी तरह से वर्क करता है और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे दूसरी तरीके से वर्क करता है। देखिए, अगर इस फंक्शन में आपने इसके अंदर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डाली, मतलब अगर 1 डाला जैसे, तो ये आपको रिटर्न करेगा वही इंटीग्रल वैल्यू, मतलब 1 ही रिटर्न कर देगा। अगर आपने इसके अंदर 2 डाला तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा 2। इसमें अगर आपने कोई इंटीग्रल वैल्यू डाली -3, तो ये आपको रिटर्न करके वही इंटीग्रल वैल्यू दे देगा -3। 0 डाला तो 0 दे देगा, माइनस का 4 डाला तो माइनस का 4। तो ये तो बात हुई कि इस फंक्शन का वर्क कैसे होता है ऑन द इंटीग्रल पॉइंट्स, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। इससे ज़्यादा जरूरी है कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे इसका कैसा बिहेवियर होता है। मतलब ये तो इंटीग्रल पॉइंट्स हो गए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर जो भी ऐसी पॉइंट है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो इन पे तो ये ऐसे बिहेव करता है कि रिटर्न पे हमको वही पॉइंट दे देता है। लेकिन अगर इसके अंदर आपने कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट डाला, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर डाला -1.75, या फिर पहले एक ऐसे लेते हैं 1.5, ऐसे कोई नॉन इंटीग्रल पॉइंट डाला, कोई डेसिमल का पॉइंट डाला, तो ये क्या करता है कि ये अपने आपने जो वैल्यू डाली है उससे जस्ट प्रीसीडिंग इंटीग्रल वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देता है। मतलब कहने का क्या सेंस है, जैसे आपने 1.5 डाला है तो 1.5 समथिंग है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है फंक्शन कि आपने अगर 1.5 डाला, मतलब नॉन इंटीग्रल कोई पॉइंट है, तो इस नॉन इंटीग्रल पॉइंट से जस्ट प्रीसीडिंग जो इंटीग्रल पॉइंट होगा, जैसे इससे जस्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब लेफ्ट साइड पर, रियल लाइन में आपको क्या देखना है, लेफ्ट साइड में जो पॉइंट होगा,
तो माइनस सॉरी 1.5 से जस्ट लेफ्ट साइड का जो इंटीग्रल पॉइंट है वो क्या दे देगा 1. 1.5 से लेफ्ट साइड में बहुत इंटीग्रल पॉइंट है 1, 0, -1, -2, -3, बट जो जस्ट प्रीसीडिंग इंटीग्रल वैल्यू होगी ये रिटर्न पे वो दे देगा. माइनस का आपने 1.75 डाला है, क्या डाला है माइनस का 1.75, तो ये माइनस वन और माइनस टू के बीच में समथिंग यहां पर होगा माइनस का 1.75. तो हमने क्या कहा कि अगर कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू डाली है, माइनस का 1.75 तो इंटीग्रल है नहीं, तो ये क्या करता है उस आपके पॉइंट से जस्ट प्रीसीडिंग इंटीग्रल वैल्यू दे देगा. तो माइनस के 1.75 से जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, माइनस का 2, तो ये आपको रिटर्न में क्या दे देगा माइनस 2. अगर आपने इसके अंदर 3.2 डाला तो ये आपको रिटर्न में क्या दे देगा 3. अगर आपने इसके अंदर माइनस का 3.1 डाला तो ये आपको क्या रिटर्न में दे देगा माइनस का 4. मतलब ये कैसे वर्क करता है, सो ये आपके रियल पूरे के पूरे डोमेन पे वर्क करता है, मतलब पूरे के पूरे रियल वैल्यूज पे वर्क करता है. बट इसका वर्क करने का दो तरीका कि अगर आपने इसमें रियल वैल्यूज में से कोई इंटीग्रल पॉइंट डाला तो ये आपको रिटर्न करके वही इंटीग्रल पॉइंट दे देगा. मींस इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 0, -1, -2, -3, -4 समथिंग इंटीग्रल वैल्यू, तो ये आपको रिटर्न करके वही इंटीग्रल वैल्यू दे देगा. 1 दिया तो 1, 2 डाला तो 2, 3 डाला तो 3. बट अगर आपने कोई नॉन इंटीग्रल पॉइंट डाला तो ये क्या करेगा कि जो पॉइंट आपने डाला है उससे जस्ट प्रीसीडिंग, उससे जो जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा उसको रिटर्न कर देगा. नंबर लाइन में समझना है तो उसके जस्ट पहले वाला, उसके लेफ्ट साइड में, जस्ट लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होगी उसी को वो रिटर्न कर देगा. ये इसकी डेफिनेशन होती है, ये इसकी वर्किंग होती है, बेसिकली ऐसा ये फंक्शन वर्क करता है. और इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही कहती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. इसके कहने का मतलब है कि अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई भी एक्स डाला, कोई भी एक्स डाला, तो आपको रिटर्न पे जो मिलेगा, आपको रिटर्न में ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, मतलब हाईएस्ट इंटीजर मिलेगा, विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स. मतलब आपने एक्स की वैल्यू समथिंग की, जैसे आपने कौन सी डाली 1, तो 1 से सॉरी इधर पहले दीजिएगा, तो आपने 1 डाला तो लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, आपने क्या डाला इसमें 1, तो 1 से लेस या इक्वल कौन कौन से इंटीजर हैं 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन -∞ तक. तो ये कहता है कि लेस देन और इक्वल टू x में जो ग्रेटेस्ट हो, तो 1 से लेस देन और इक्वल टू में कौन कौन है 1, 0 और इंटीजर हो 1, 0, -1, -2. अब इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 1, तो ये आपको रिटर्न करके क्या देगा 1. आपने अगर इसमें 1.5 डाला तो 1.5 यहां है, तो 1.5 से लेस और इक्वल इंटीजर्स कौन है 1.5 से लेस, मतलब उसके लेफ्ट साइड में कितने इंटीजर्स हैं, तो 1.5 के लेफ्ट में है 1, 0, -1, -2, -3, इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 1. तो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. सो इफ यू आर पुटिंग एनी वैल्यू x इनसाइड दिस फंक्शन देन it will return you the greatest integer which is less than or equal to your value x. और हमने ऐसे भी बात की कि इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इट्स वर्किंग रूल इज सच एज इफ यू आर पुटिंग एनी इंटीग्रल वैल्यू इनसाइड दिस फंक्शन देन इट विल बी रिटर्न यू द सेम वैल्यू, एंड इफ यू आर पुटिंग एनी नॉन इंटीग्रल वैल्यू इनसाइड दिस फंक्शन देन इट विल रिटर्न जस्ट प्रीसीडिंग इंटीग्रल वैल्यू टू अवर पॉइंट. आपने जो वैल्यू डाला है उसे जस्ट प्रीसीडिंग, जस्ट पीछे वाला, नंबर लाइन में जस्ट लेफ्ट वाला. जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने इसमें डाला माइनस का 2.753, ऐसे कुछ डाल दिया आपने, तो माइनस का 2.753 मतलब -2 और -3. अब इसके इस पॉइंट को डाला है आपने, इससे जस्ट लेफ्ट साइड में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू है माइनस का 3, सो इट विल रिटर्न यू माइनस का 3. ये इस फंक्शन के वर्ग करने का अपना रूल होता है. ठीक है, तो अभी देखते हैं इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि इसका ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर ग्राफ से ही हम लोग कुछ कंक्लूजंस ले लेंगे जो आपकी थ्योरी पे वर्क आएंगे. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई होगी. अब देखिए इसका फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो ग्राफ के लिए हम लोग सबसे पहले अपना प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, विच इज द फंक्शनल वैल्यू हेयर. यू कैन से दैट इट इज अ कोडोमेन रियल नंबर एंड इट इज द डोमेन रियल नंबर. ओके, ये आपका डोमेन हो गया रियल लाइन, और ये आपकी कोडोमेन हो गई रियल लाइन. ठीक है, अब यहां पर हम लोग अपनी डोमेन वैल्यू रखेंगे, मतलब यहां पर आपका होगा 0, फिर यहां पर होगा 1, यहां पर समवेयर होगा 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6. इधर इसी तरह कुछ ज्यादा पॉइंट बना ले रहे हैं जिससे ज्यादा डिफाइन करने का मौका मिले. -2, -3, -4 और ये बन गया -5. ठीक है, ऊपर की ओर चलते हैं, तो y एक्सिस पे 1,
टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ठीक है। इतना बना लेते हैं अभी ग्राफ को, फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए इस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, इस फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर आपने इसमें कोई इंटीग्रल वैल्यू डाली, मतलब अगर जीरो डाला तो ये आपको वही दे देगा, मतलब जीरो पे क्या देगा, जीरो। आपने अगर इस पर वन डाला तो वन के करस्पॉन्डिंग ये आपको क्या दे देगा, वन, वन के करस्पॉन्डिंग वन। टू डाला तो आपको ये क्या रिटर्न करके दे देगा, आपको ये रिटर्न करके दे देगा टू। आपने अगर इसमें थ्री डाला तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, थ्री। फोर डाला तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, फोर, ठीक है। वन पे वन, टू पे टू, थ्री पे थ्री, फोर पे फोर, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। माइनस पे, माइनस का वन अगर, सॉरी ये है डोमेन आपका, माइनस का वन डाला तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, माइनस का वन। माइनस का टू डाला तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, माइनस का टू। माइनस का थ्री डाला तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, माइनस का थ्री। माइनस का फोर डाला तो ये आपको क्या रिटर्न करके दे देगा, माइनस का फोर। समझ आ रही होगी मैं आई होप बात। अब बात आती है कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। जैसे अब आपने जीरो से वन के बीच में कुछ भी डालोगे, मतलब वन अगला इसका इंटीग्रल पॉइंट है, जीरो से वन के बीच में सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज होंगी और सब नॉन इंटीग्रल वैल्यू जीरो और वन के बीच में होंगी, तो इसमें ये इसके जस्ट प्रीसीडिंग कौन सा इंटीजर बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो जीरो से वन के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, जीरो। अब वन यहां पर वन पे नहीं देगा, ठीक है। वन रखोगे तो वन दे देगा, लेकिन वन से टू के बीच में ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करके देगा, वन। वन से टू के बीच में आप कुछ भी रखो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, वन ही देगा। अब टू से थ्री के बीच में आप कुछ भी इसके अंदर रखोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, थ्री। थ्री से लेके फोर के बीच में आप कुछ भी रखोगे तो आपको क्या रिटर्न करके देगा, फोर। उसी तरह फोर से लेके फाइव के बीच में आपने कुछ भी रखा तो क्या देगा, फाइव। कैसे वर्क कर रहा है, जीरो से वन के बीच में हमने कुछ भी रखा फंक्शन की वैल्यू जीरो, वन से लेके टू के बीच में कुछ भी रखा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन ही है, ठीक है। उसी तरह इधर देखिए आप, जीरो से लेके माइनस वन, ये जीरो से लेके माइनस वन के बीच में आपने कुछ भी रखा तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, माइनस वन। मतलब इतने पूरे में जीरो से लेके माइनस वन के बीच में आपको क्या देगा, माइनस वन वैल्यू ही देगा। माइनस वन से लेके माइनस टू के बीच में ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, माइनस का टू। माइनस टू से लेके माइनस थ्री के बीच में ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, माइनस का थ्री। आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लीजिएगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, माइनस का ये माइनस वन तक में ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये देगा। माइनस टू से माइनस वन के बीच में आप कुछ भी रखोगे, यहाँ फिर से कर लेते हैं ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जीरो से लेकर माइनस वन के बीच में आप कुछ भी रखोगे तो ये आपको क्या देगा, माइनस वन। क्यों, यहाँ पर आप हो तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड का इंटीग्रल कौन है, ये है, तो ये क्या वैल्यू देगा, माइनस वन। यहाँ पर भी माइनस वन। अब माइनस वन से माइनस टू के बीच में यहाँ पर आप कहीं पर भी रहोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, माइनस का टू। माइनस का टू का मतलब इस जगह पे यहाँ तक, फिर उसके बाद माइनस का थ्री, फिर माइनस का फोर। आप बना लीजिएगा ग्राफ, माइनस फोर यहाँ पर है। सो ये होता है इस फंक्शन का ग्राफ। कैसा ग्राफ है कि आप इसमें माइनस फोर से माइनस थ्री के बीच में कुछ भी रखोगे तो माइनस का ये आपको क्या रिटर्न करके दे रहा, माइनस का फोर। देखिए ये भी रखा तब भी आपको माइनस फोर मिल रहा है, ये रखा तब भी माइनस फोर। तो कुछ ऐसा इस फंक्शन का ग्राफ होता है और आप आगे तक खींचते हुए चले जा सकते हैं। ओके, इस फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ओके, स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। देखिए स्टेप वाइज फंक्शन एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शंस होती है, है ना। तो उसी टाइप का फंक्शन हम लोग का ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज आपका होता है फंक्शन का ग्राफ, तो इसलिए इसको हम लोग स्टेप वाइज फंक्शन भी कहते हैं। ये इसका ग्राफ होता है। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जो जो आप रख सकते हो, ठीक है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो आप रियल वैल्यू में से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो क्या देखिए, जब आप डोमेन निकालिए तो ये देखिए कि जैसे यहां पर x पे फंक्शन डिफाइन है तो क्या x की कोई वैल्यू प्रॉब्लम कर रही है? क्या हम कोई x की ऐसी वैल्यू है जो इस फंक्शन में नहीं रख सकते हैं रियल वैल्यू में से? अच्छा, कौन सी नहीं रख सकते हैं? मैथ्स के रूल हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, स्क्वायर चूंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है तो हमें रियल वैल्यू ही मिलनी चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं जाना चाहिए। क्या यहाँ पर उनमें से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में से, तो इसका डोमेन बन जाएगा होल रियल नंबर्स, या फिर उसी को ऐसे भी कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। रेंज, रेंज का मतलब होता है कि आपको रियल नंबर में से क्या क्या वैल्यू रिटर्न होके मिल रही है, मतलब क्या क्या वैल्यू रिटर्न होके मिल सकती है। तो इस फंक्शन की जो रेंज होती है इट इज द इंटीजर,
इंटीजर्स का सेट जेड। क्यों? आप इसमें कुछ भी रियल वैल्यू रखो ये आपको रिटर्न करके क्या देगा? इंटीजर ही देगा। देखिए आपने जीरो से वन के बीच में कुछ भी रखा तो आपको जीरो देगा, वन देगा, टू देगा, थ्री देगा, फोर देगा। क्या किसी वैल्यू के लिए ये 3.5 देगा? क्या किसी वैल्यू के लिए 1.2 देगा? क्या किसी वैल्यू के लिए माइनस पॉइंट 1. समथिंग देगा? नहीं देगा। ये आपको कभी भी माइनस का 1.2 नहीं देगा, कभी आपको ये माइनस का 2. समथिंग नहीं देगा। ये आपको हमेशा रिटर्न करके क्या देगा? एक इंटीग्रल वैल्यू ही देगा। तो इसका रेंज क्या बन जाता है? इंटीजर। ओके, इसकी कैलकुलस में कुछ बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं। लिमिट, तो इस फंक्शन की लिमिट ये हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा अगर आप इसकी एलजेब्रा को भी समझना चाहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप आईआईटी जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर इसकी एलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, इसका समेशन, इसमें इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट अभी हम लोग वहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देना था ऑन द बिहाफ ऑफ कैलकुलस, तो हम लोग उस तरीके की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको वो भी चाहिए हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसका भी वीडियो कर लेंगे। बट अभी इसकी लिमिट की बात करते हैं। तो जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसकी जो लिमिट होती है हर एक नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। देखिए हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है और इंटीग्रल पॉइंट पर, इंटीग्रल पॉइंट पर नॉट एग्जिस्ट करती है। क्यों? देखिए जैसे आपने कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट मतलब ये ले लिया, यहां पर आपको लिमिट चेक करनी है तो आप देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या आई? वन आई। आपने वन पॉइंट मान लीजिए थ्री लिया था तो राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी? वन, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी? वन। फाइनाइट एंड यूनिक दोनों हैं तो इसका मतलब यही आपकी लिमिट हो जाएगी। देखिए ये पॉइंट था वन, पॉइंट थ्री, इसके राइट साइड से भी अप्रोच वन की ओर है और लेफ्ट साइड का अप्रोच भी वन की ओर है। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट इंटीग्रल पॉइंट पर जैसे हमें वन पे चेक करना है तो वन पे देखिए ये वन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी एट इंटीग्रल पॉइंट x इज इक्वल टू वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? तो लेफ्ट हैंड से जब आप अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी रह रही है? जीरो। और राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? वन की। और आप जब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कहां रह रही है? वन पर। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी? वन। तो फाइनाइट तो दोनों लिमिट्स हैं बट बोथ आर नॉट इक्वल। दैट मींस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट, जैसे आपको एट x इज इक्वल टू टू लेना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी? वन। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? टू। तो देखिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो एट इंटीग्रल पॉइंट द लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट एग्जिस्टिंग, बट एट नॉट नॉन इंटीग्रल पॉइंट द लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज एग्जिस्टिंग। ओके, कंटिन्यूटी की भी सेम कहानी है कि एट इंटीग्रल पॉइंट इट इज नॉट कंटिन्यूअस। आप देख ही सकते हो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे इसकी क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है। तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, बट एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स इट इज कंटिन्यूअस। कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट लेंगे तो आप देखिए उसके अगल बगल में ये कंटिन्यूअस है। एंड डेरिवेटिव एट इंटीग्रल पॉइंट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑब्वियसली बात है कि कंटिन्यूअस नहीं है तो ये इंटीग्रल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, बट एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट इट इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज जीरो। बिकॉज देखिए हर एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल। सो इट्स डेरिवेटिव एट इंटीग्रल पॉइंट्स does not exist, but at non-integral point it is zero. Okay, exist कर रही है but zero है. Okay, तो ये थी हमारे greatest integer function के introduction. अगर आपको और भी इसकी algebra के बारे में बात जानकारी चाहिए so you will put the comment in the comment section and I will make a new video on the greatest integer functions and its algebra and its property, algebraic properties, the operational properties. Okay, so thanks for watching. हम मिलते हैं next video के साथ.